हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में जो कि लूसेंट से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो कि आज पेज नंबर 100 से लेकर 105 तक इसमें क्वेश्चन कवर किया गया है और कल का रहेगा 105 से लेकर 110 तक आप लोग कल ज़रूर पहना ना और इस वीडियो को एंड तक देखिए जैसे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सभी एग्ज़ामों के लिए तो बहुत ही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है तो और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है बताना है कि किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत से नहीं है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है भारत से नहीं ये तिब्बत से है ये जो है तिब्बत से निकलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है कि निम्न में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है बताना है कि किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माही नदी पर देखिए माही नदी पर है बजाज सागर बांध बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मांडवी एम जुआरी किस राज्य की प्रमुख नदियां है बताना है कि मांडवी और जुआरी जो है किस राज्य की प्रमुख नदियां है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोवा ऑप्शन नंबर बी जो है गोवा मांडवी और जुआरी जो है गोवा राज्य की प्रमुख नदियां है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है बताना है कौन सा मिलान जो है इसमें गलत है रोक सताल झील उत्तराखंड लोकटक झील मणिपुर डिडवाना झील महाराष्ट्र पेरियार झील केरल तो देखिए इसका ये जो है ऑप्शन नंबर सी मिलान गलत डिडवाना झील जो है राजस्थान महाराष्ट्र में नहीं है ये जो है राजस्थान और स्थल जो है उत्तराखंड लोकटक झील मणिपुर डिडवाना झील राजस्थान पेरिया झील केरल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर किस नदी पर स्थित है देखिए बताना है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्भ पंत सागर किस नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी पर ऑप्शन नंबर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि निम्न में से कौन सा गलत है बताना है कौन सा मिलान इसमें गलत है बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर चुलिया जलप्रपात कावेरी नदी पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और हुंडरू जलप्रपात रेखा नदी पर इसमें बताना है कौन इसमें गलत है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए लाइक बनता है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल वो पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए चूलिया जल प्रपात जो है ये चंबल नदी पर है च से चुलिया और च से चंबल ये जो है चूलिया जलप्रपात कावेरी नदी पर नहीं ये चंबल नदी पर है और ये जो है बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है हुडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच फोर्टी सेवन ए निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है पताना है कि जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच फोर्टी सेवन ए निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेलिंगटन द्वीप पर ये जो भारत का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एन एच फोर्टी सेवन ए जो है वेलिंगटन द्वीप पर है ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है देखिए बताना है कि जो अरावली पहाड़ी उसके पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है तो यह माही एमलूनी नदी निकलती है ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी जो है कि संगम पर स्थित है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम कहां पर स्थित है देवप्रयाग विष्णुप्रयाग कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग ये जो अकनंदा और मंदाकिनी जो रुद्र है रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित है ऑप्शन नंबर डी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है कि मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पार्क केबूलालाम जाओ किस झील में स्थित है बताना है कि मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क जो है केबुल जाओ किस झील पर स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील पर ऑप्शन नंबर बी जो है लोकटक झील पर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है देखिए बताना है कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए कि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज जो भी आपका डिमांड है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्या चाहिए देखते हैं कि भारत सब का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन स्थित है देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है तो ग्रेट निकोबार में ऑप्शन नंबर ए सही है ग्रेट निकोबार में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि काराकोरम जास्कर लद्दाख एवं कैलाश किस हिमालय क्षेत्र का भाग है बताना है कि काराकोरम जास्कर लद्दाख एवं कैलाश किस हिमालय क्षेत्र का भाग है ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय का ये भाग है ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ जीते तो दक्षिण अंडमान में ऑप्शन नंबर सी सही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है बताना है कि कौन सा दर्रा जो है पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पिपली घाट दर्रा पिपली घाट दर्रा जो है पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है ये भूर घाट धारा घाट धारा और पाल घाट धारा ये जो है पश्चिम घाट से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कि हिमालय पर्वत क्षेत्र के बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो है किसको निरूपित करता है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान ऑप्शन नंबर सी जो है हिमालय पर पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है ऑप्शन नंबर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल पर निम्न में से कौन सा पहाड़ स्थित है बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के जो मिलान स्थल है वो कौन सा पहाड़ स्थित है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है ऑप्शन नंबर बी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाट स्थित देखिए विश्व प्रसिद्ध जो है कांगड़ा एवं कुल्लू घाट कहाँ स्थित है ये जो है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाट कहाँ स्थित है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय विश्व प्रसिद्ध कंगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है ऑप्शन नंबर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि भारत के प्रसिद्ध पश्चिम घाट तट के भाग गुजरात से गोवा तट के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है बताना है कि भारत के जो पश्चिमी तट के भाग गुजरात के गोवा तट के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुंकर तट ये जो है भारत के पश्चिमी तट के भाग गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना है तो कुंकर तट ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है बताना ना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है चिल्का झील खारे पानी की झील वुलर झील मीठे पानी की झील लोकटक झील खारे पानी की झील या संभार झील खारे पानी की झील ये जो है ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील ये जो है लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है खारे पानी की झील नहीं है ये जो है मीठे पानी की झील है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो ये कोइम्बटूर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सही है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोइंबटूर को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है कि पुराने जलूड मिट्टी को, को क्या कहा जाता है बताना है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है देखिए पुराने जलूर मिट्टी को क्या कहा जाता है तो ये बांगर जा कहा जाता है पुराने जलूर मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलूर मिट्टी को खादर कहा जाता है पूछा जाए कि नई जलूड मिट्टी को क्या कहा जाता है तो ये नई जलूड मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलूर मिट्टी को बांगर कहा जा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी जो है किस मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है देखिए रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सही है रेगुर मिट्टी काली मिट्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है पता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है पताना कि कपास की खेती के इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक होती है तो ये काली मिट्टी ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है कि चाय एवं इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है चाय एवं इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेट्राइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है तो ये लेट्राइट मिट्टी है ऑप्शन नंबर सी कूछेन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि रबी की फसल कब बोई जाती है बताना है कि रबी की फसल जो है कब बोई जाती है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और खरीफ की खरीब की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है पूछा जाए कि खरीफ की फसल को बोई जाती है तो जून जुलाई में रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बता कि केचुए पालन किस क्या कहा देखिए बताना है कि इसमें केंचुए पालन सॉरी इसमें केंचुए पालन, पालन क्या कहलाता है केंचुए पालन क्या कहलाता है विटी कल्चर सॉरी विटी कल्चर वर्मी कल्चर हॉर्टी कल्चर पीसी कल्चर देखिए केंचुए पालन जो है वर्मी कल्चर कहलाती है इसमें नहीं लिखे वर्मी कल्चर ये चुए पालन जो है वर्मी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? बताना है कि मधुमक्खी पालन जो है क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए एपी कल्चर ये जो है मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है ऑप्शन नंबर ए आई है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 29 है टू नंबर कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई बताना है कि भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई हरित क्रांति में उर्वरक उत्पादन किया जाता है यह हरित क्रांति जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और हरित क्रांति की शुरुआत जो है उन्नीस सौ सड़सठ से अड़सठ

तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा और और इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जैसे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आते हैं लूसेंट से और आप लोगों का बेहतर तैयारी हो तो चलिए चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम